हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य नरेन ब्लॉग्स में। और आज है वो दिन जिस दिन हम जाने वाले हैं गांव, यानी 31 मई। और हमारे गांव में वैसे पूजा स्टार्ट हो चुकी है। हमारा लेट होने का रीजन ये है कि आज हमारे प्रिय मामा जी, रोहिणी वाले मामा जी हैं, उनका रिटायरमेंट है। तो हम वहाँ रिटायरमेंट में पहले शिरकत लेंगे या भाग लेंगे या वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम रात में ही नेहा के यहाँ पहुंचेंगे। हमारा प्लान जो है वो यही है कि यहाँ से फिर हम नेहा के यहाँ फरीदाबाद जाएंगे। नहीं, मतलब पहले यहाँ से जाएंगे हम रिटायरमेंट पार्टी में। वो शायद मेरे हिसाब से रोहिणी के पास ही कहीं पे है। फिर वहाँ से रात में हम निकलेंगे नेहा के यहाँ। फिर वहाँ से गाड़ी करेंगे, नेहा की गाड़ी है, उसी में बैठेंगे और उसी को लेकर रात को निकल जाएंगे। क्योंकि ऋषिकेश में गाइस आजकल क्या है, बहुत जाम लगा हुआ वहाँ पे। रीज़न उसका ये है कि वो चल रहा है ना, लोग ट्रैकिंग पे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं तो सब घूमने गए हुए हैं। इस वजह से पूरा ऋषिकेश ना बहुत जाम रहता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि रात में ही निकल जाएंगे। अगर एक बार ऋषिकेश पार हो गया, नींद आई थोड़ा, तो कहीं रास्ते में रुक के सो जाएंगे, लेकिन जाएंगे हम रात में निकलेंगे। तो आज के ब्लॉग में आप ये देखेंगे हम मामा जी की पार्टी कैसे एंजॉय करने वाले हैं, और उसके बाद कैसे हम नेहा के यहाँ पहुँचेंगे, और उसके बाद हम रात में ही आज गाँव के लिए निकल जाएंगे। गाँव में हमारा जो है पूजा स्टार्ट हो चुकी है। ये मेरा बॉस। मेरा आगे पीछे घूमता रहता है। ही फैन ऑफ माइन। मेरा बहुत बड़ा फैन है ये। अब खिलाता पिलाता तो हो गई ना। आज मौसम भी बहुत अच्छा दिख गई। तो मौसम भी बहुत अच्छा है। मैंने बाइक भी साफ कर दी है। ये वाला कट करता है, बाइक साफ कर दी। मौसम बहुत अच्छा है। तो आज मैंने तो ऑफिस निकलना है, क्योंकि मेरे तो ऑफिस का टाइम हो रहा है अभी। जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठे हम। दिव्या कपड़े धो रही है वॉशरूम में अभी, और हमारी लेबर भी आ गई है, उन्होंने भी अपना काम चालू कर दिया है। आज कुछ बची हुई ईंटें हैं जो लगनी हैं, वो देखिए। वो इतनी सी ईंटें रह गई लगने के लिए बस। उसके बाद उनका भी काम अभी हाल फिलहाल के लिए बंद हो जाएगा। तो मैं तो चलता हूँ नहाने धोने के लिए। पहले दिखाते दिव्या क्या कर रही है ना। इशू तो अभी सो रही, सो क्या रही है, वो ड्रामे कर रही ज़्यादा, उठ नहीं रही है। कितनी बार उठा दिया उसको मैंने। इशे उठ गया? तो किशे उठ गई। किशे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, जल्दी बोलो। गुड मॉर्निंग। और नेगी जी, दिव्या नेगी रावत जी यहाँ पे लगे कपड़े धोने में। सुबह से लगे काम पे, करना ही पड़ेगा ना। आज हमें एकदम सब कुछ फिट फुट करके जाना है, एकदम सहज के सवार के जाना है। तो चलो मैं तो दोस्तों निकलता हूँ। मैं निकलता हूँ, पहले नहा लेता हूँ, फिर निकलूंगा ऑफिस। दोस्तों मेरा खाना भी तैयार हो चुका है, मैं भी तैयार हो चुका हूँ। दिव्या ने मिले बनाया अंडा ब्रेड, वो भी अपने स्टाइल में, जख डाल के। वो जखा डाल के पहाड़ी स्टाइल में, देखिए। मुझे तो बहुत पसंद है जखे डाल के, मजा आता भाई। मैंने पूजा वूजा कर ली है, देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया, उसके बाद खाना खा रहा हूँ, अन्न ग्रहण कर रहा हूँ। टाइम हो गया, ऊपर देख रहे होंगे आप, जब दिख रहा होगा तो इतनी दूर से, 9:30 मेरे जाने का टाइम हो गया। इतने बजे मैं निकल जाता हूँ, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, और कोशिश करूँगा जल्दी आने की, क्योंकि फिर हमें वहाँ भी जाना है ना मामा जी के यहाँ। तो अगर जल्दी आ पाया तो जल्दी आ जाऊँगा, नहीं तो शाम को तो थोड़ा जल्दी निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर हाफ डे में निकल पाया, काम ज़्यादा नहीं हुआ, तो मज़ा आ जाएगा फिर, है ना। फिर सारे काम निपट जाएंगे घर के। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:30 हो गया और किसके पापा का नाश्ता बिल्कुल तैयार है। ये देखो, ऑमलेट बनाया है। आप भी डाल दो कि इसमें जख्या, जरूर बताना है। और जो नहीं डालता वो बोलेगा छी क्या कर रहे हैं ये, अंडे के साथ कोई जख्या पड़ता है। पर आप ट्राई करके देखना एक बार, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। किसके पापा ने भी शुरुआत में ऐसे ही बोला था, मैंने जब डाला था, और अब वो बिना जख्या के खा ही नहीं रहे, बताओ। तो दोस्तों, शाम के 8 बज गए हैं। मैं पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। किशु भी तैयार हैं, लेकिन किशु के पापा अभी तक नहीं आए। वो नेहा औरों के घर गए थे, तो नेहा औरों को लेके ही आ रहे हैं, बस आते ही होंगे अभी। और मैंने साथ में बैग वैग पैक भी कर रही हूँ, और खुद भी तैयार हो रही हूँ। गर्मी इतनी हो रही है ना, साड़ी में बहुत आफत आ रही है। तो जैसे ही वो आते हैं, वैसे ही हम निकलेंगे पार्टी के लिए।
और फिर जल्दी से जल्दी वहाँ से घर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जाना भी है आज ना, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो साक्षी और किशु यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं उनका। क्या बोल रही थी किशु अभी? थी कहाँ रह गए ये लोग? और किशु पता क्या बोल रही है कि मेरी मजबूरी है कि मुझे तैयार होना पड़ रहा है। दोस्तों ऐसी मजबूरी देखी किसी की? मेकअप वेकअप करना पड़ रहा है मजबूरी में, है ना किशु? तो बहुत जरूरी है जाना। दोस्तों हमारे मेहमान आ रखे हैं, आ गए, और ये भाग भाग के पता क्यों आ रहे हैं? बताओ क्यों आ रहे हो? वो देख रहे हो सीधे वहाँ चला गया। तो दोस्तों निकल गए हम घर से, जस्ट अभी निकले हैं। कितना हो रहा टाइम? 8:00 बज गया, 8:30 हो गया होगा। हमारे साथ है किशु, पीछे बैठ रखी है बुआ के साथ। बुआ को तो हम अभी घर पटकेंगे। बुआ को घर छोड़ के जाएंगे। रोड बता देना। तो दोस्तों यहाँ पे ना किसी का रिटायरमेंट हो रहा है यहाँ पे भी, सी ब्लॉक के पार्क में। बोलो। सी ब्लॉक के पार्क में अब हम उतारेंगे साक्षी को, यहीं पे छोड़ेंगे यहाँ पे पार्लर। तो साक्षी चली गई, अब हम भी चलते हैं। ये किशु की स्कूल है। किशु छोड़ देना स्कूल ना। पक्का अभी तो बंद है स्कूल? ठीक है चलो फिर पार्टी में। क्या आ रहा है किशु हमारे पीछे? कौन सा गुड्डा? ये रहा, ये। बाय करो किशु, बाय। तो यहाँ पे मामा जी भी पहुँच रखे हैं, साथ में गोली भी, वो उधर चला गया। तो मामा जी बिल्कुल बनठन के आ गए, और इधर एक और मामा जी है। पहुँच गए हम लोकेशन पे। ये भी है, हेलो। मामी और भी आ रखे हैं, देखना मामी और हमसे पहले पहुंच रखे हैं। बूढ़ी जी, बूढ़ी जी, नानी देख। Thank you.
ये देखो दोस्तों, इसने हमें नाक पर चोट लगवा ली, दिखाओ। यहाँ से मैं भाग रही थी, बहुत तेज का नाक लगा उस पर। आज के पार्टी के हमारे मामा जी को और मामी को हम बाय बाय बोलने आए हुए हैं। अच्छा मामा जी, मामी चलते हम, ठीक है? खुशी रहो और बहुत बहुत बधाई है मामा जी रिटायर होने के लिए। हैं, थैंक यू, थैंक यू। ना ऐसी आपको आगे फलाता फूलता रहे। भगवान लगाते रहो। अच्छा मामी चलते हैं मेरा। अच्छा बाय, हम जा रहे हैं, बाय करो। अब बोलो जा। अच्छा बाय। अच्छा ठीक है मामी, जा रहे हम। ओके बाय बाय गाइस, बाय बाय करना। तो दोस्तों, आज हम वहाँ से पार्टी से वापस आ गए हैं और हम जा रहे हैं अपने उत्तराखंड के टूर पे, अपने गांव जा रहे हैं जहाँ पे पूजा होनी है। तो आज का व्लॉग तो हम यहीं पे एंड करते हैं और इससे आगे का व्लॉग अब जो आपको मिलेगा उत्तराखंड का मिलेगा, सीधा हसीन वादियों से दिखाएंगे आपको उत्तराखंड की, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे किसी और दिन के अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे इसी चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, गुड नाइट।